इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था और अमरोहा तो सीधा सीधा श्री कृष्ण के साथ नाता रखने वाली जगह है। अब भगवान श्री कृष्ण यहां से निकल करके गुजरात गए थे और मजा देखिए, मैं गुजरात में पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश के चरणों में आके बैठ गया, काशी ने मुझे सांसद बना दिया। द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। और जो अपने आप को यदुवंशी कहकर के ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का माल मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो, कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो?